हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डोंट डॉक्टर वंस अगेन। हर थिंग इज फाइन। तो आज मैं कोई न्यूज़ लेके नहीं, आज मैं लेके आया हूँ एक नया ड्रोन कंपनी जो इंडिया में डेवलप्ड है और DGCA से अप्रूव्ड ड्रोन्स हैं। अभी तक उन्होंने काफ़ी ड्रोन्स मैन्युफैक्चर कर ली हैं। यस, दे हैव मैन्युफैक्चर्ड और काफ़ी इंडियन कंपनीज और उसने उनको हायर भी किया हुआ है। और एक चीज़ आपको बताऊँ, अभी तक ये ड्रोन्स जो हैं इंडस्ट्रियल ड्रोन्स हैं, लेकिन बात यह है कि आने वाले टाइम में ये कंपनीज हमारे ऐसे कंज्यूमर्स के लिए भी ड्रोन्स निकालने वाली हैं। तो कौन सी है वो कंपनी और कौन कौन से उन्होंने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। दीज आर द प्योरली इंडियन ड्रोन्स, मतलब इंडियन जो रेगुलेशंस अब तक आई हैं, आपने जो देखी हैं उन सबको ये फॉलो करते हैं ड्रोन्स। तो इसमें पूरा जो इन्होंने बनाया था सिस्टम कि जब तक आप परमिशन नहीं लेंगे टेक ऑफ नहीं ले सकते, NPNT कंपैटिबल, एवरीथिंग जो गवर्नमेंट ने अभी तक फ्रेमवर्क किया था वो सब इन्होंने फॉलो किया है, क्योंकि उस टाइम से बन रहे हैं जिस टाइम से ये सब फ्रेमवर्क चल रहा था। तो अगर आप नए चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपको दिखाते हैं इंडियन ड्रोन विच हैज़ बीन अप्रूव्ड बाई DGCA। लेट्स गो टू द स्क्रीन। तो थ्रॉटल एयर स्पेस है इनके ब्रांड का नाम, ये आप देख सकते हैं, इसका वेबसाइट का लिंक मैंने दे दिया है। तो बेसिकली ये इंडस्ट्रियल ड्रोन्स को कैटर कर रहे हैं अभी बेसिकली, बट टेक्नोलॉजी जो इनके पास है, तो जैसे ही अगर कंज्यूमर ड्रोन निकाल दें तो मुझे लगता है कोई शक नहीं होगा कि वो काफ़ी अच्छा DJI ड्रोन्स के मुकाबला कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने काफ़ी रेंज के ड्रोन्स लॉन्च किए हैं, छोटे कॉम्पैक्ट से लेके हाई एंड इंडस्ट्री ड्रोन तक। और जहाँ तक टेस्टिंग की बात है, इन्होंने टेस्टिंग के हिसाब से मेडिसिन को डिलीवर कर लिया है, हैवी पेलोड्स को उठाकर डिलीवर किया है। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कौन कौन से इनके मॉडल्स हैं जो अब तक के आप देख सकते हैं। दिस इज़ लुकआउट वोल्टे लाइट मॉडल, एंटरप्राइज वर्सेटैलिटी इसमें, DGCA से अप्रूव्ड है एंड बेस्ट फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स। ये इनका जब आप कह सकते हैं एक प्रीमियम सेगमेंट का ड्रोन है, दैट इज अप्रूव्ड बाय DGCA। तो ये आप देख सकते हैं इसमें। नाउ इट इज़ अंडर माइक्रो कैटेगरी, सबसे बड़ी बात, ज़्यादा हैवी नहीं है, सिर्फ 2 kg के आसपास, 1.995 ऑलमोस्ट, और क्वाड्रोप्टर फॉर्म फैक्टर में है, DGCA अप्रूव है, NPNT कंपैटिबल है, आप देख सकते हैं NPNT भी कंपैटिबल इसके ऊपर, अब वेबसाइट के ऊपर भी। एंड खास बात यह है, कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर में काफ़ी बढ़िया इंडस्ट्री ड्रोन इन्होंने निकाला है। एंड मेन थिंग अबाउट दिस ड्रोन इज दैट आपको एप्लीकेशन इसकी मल्टीपल हैं, यू कैन सी दैट लॉट ऑफ एक्सेसरीज, जैसे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए एग्रीकल्चर ड्रोन के इसमें आप एक्सेसरीज लगाकर, मतलब स्प्रे वगैरह जो होता है वो लगा सकते हैं, हाई एंड फोटोग्राफी करने के लिए इस तरह के स्पेशल कैमराज इससे लग सकते हैं। तो ऑल एंड ऑल काफ़ी हाई एंड इंडस्ट्रियल ड्रोन है, जो कि आपको काफ़ी बढ़िया, यू कैन से दैट फ्लाइट, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल ड्रोन होते हैं उसमें आपको फ्लाइट टाइम अच्छा चाहिए होता है। तो कम से कम आधे घंटे का, अप टू 30 मिनट्स, ये देखिए फ्लाइट टाइम इनका, जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। और पूरा आपको एंड्रॉयड सिस्टम के साथ कंपैटिबल टच स्क्रीन इसमें मिलेगा ऑपरेशन के लिए, लिथियम आयन बैटरी है, विंड टॉलरेंस अप टू 12 meters per second है, एंड RGB रेडियोमेट्रिक वगैरह इसमें, मतलब जो सेंसर्स वगैरह लगे हुए हैं, एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉम्पैक्ट फॉर्म में इनका जो ड्रोन है इंडस्ट्रियल का। आप चलते हैं सेकेंड पे, ये है इनका टैक्टाइल ग्रेड, वो एंटरप्राइज वर्सटैलिटी वाला था, अब ये है लुकआउट वीटॉल टैक्ट, वो लाइट था, ये प्रो में है, इसी में ये थोड़ा सा ऐसे महंगा आएगा। एंड ये बेसिकली मिलिट्री ऑपरेशंस को भी कर सकता है। सो द टैक्टाइल ग्रेड मल्टी मिशन SUS फॉर मिलिट्री, तो बेसिकली मिलिट्री फोर्स के लिए ही बनाया गया है। सो मिनिमल ट्रेनिंग एंड सिंगल पर्सन डिप्लॉयमेंट, मतलब इसका कहने का मतलब, जैसे आपको जिनको ड्रोन से इत्तेफाक रखते हैं, जो जिन्होंने ड्रोन DJI के उड़ाए हुए हैं, उनको मालूम है कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आजकल के ड्रोन की टेक्नोलॉजी में नहीं है, वेरी इजी टू हैंडल है। तो काफ़ी कुछ इन्होंने वैसा बनाया है। अब इस ड्रोन बेसिकली ये 3.2 kg का है, हैवी ड्रोन है, इट इज़ फॉर हैवियर यूज़ लाइक मिलिट्री एंड ऑल दैट। बाकी सारे फीचर्स के साथ साथ इसका फ्लाई टाइम अप टू 45 मिनट्स है, क्योंकि बैटरी इसमें बड़ी है, एंड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वर्सेटाइल, बट मेनली इसका यूज़ इन्होंने मिलिट्री के तरफ झुकाव है, तो इट इज़ नॉट फॉर पब्लिक यूज़ एंड नॉट ओनली फॉर मिलिट्री पर्पज़, डिफेंस, यू नो।
उसके बाद है आपका ईरिल पार्टनर लुकआउट वीटोल X8, एंड इसकी खास बात है ये हाई पेलोड कैपेसिटी के साथ है। एंड ये दीजिए, ये है वो ड्रोन, एंड ऑल ड्रोन आर DGCA अप्रूव्ड, एंड इट इज़ वेरी हैवी, 5.5 kg का है, एंड इट हैज़ फ्लाई टाइम ऑफ टू 40 मिनट्स। द मेन थिंग इसमें जो अलग इसको बनाती है पिछले ड्रोन से, इसमें पेलोड मतलब काफ़ी आप ये वेट को उठा सकता है, तो बेसिकली डिलीवरी वगैरह के लिए यूज़ होगा इन एडिशन टू दीज एप्लीकेशन ऑफ इंडस्ट्री। एंड पेलोड इन्होंने इसमें बताया नहीं कितना ये उठा सकता है, डेफिनेटली 1 to 2 kg इसमें होगा। आप यहाँ पर आके इसकी डिटेल्स को और फर्दर देख सकते हैं। इसके बाद इनका ड्रोन आता है डोपो, अनमैच एंड्योरेंस परफॉर्मेंस एंड हाई एरिया कवरेज। एंड ये जो ड्रोन है डोपो, डोपो मॉडल में खास बात ये है कि इट इज़ वेरी फास्ट ड्रोन, एंड आप इसमें देख सकते हैं काफ़ी DJI मिनी से इसका आपका यू कैन, बट इट इज़ नॉट मिनी ड्रोन, इट इज़ 4 kg स्मॉल कैटेगरी का ड्रोन है, एंड रोटेटरी विंग फैक्टर है और काफ़ी फास्ट ड्रोन है ये, एंड फ्लाइट टाइम इज़ वेरी गुड 55 मिनट्स। एंड मेन इसका जो एप्लीकेशन है आपका बेसिकली इंडस्ट्रियल ही है, वेयर यू वॉन्ट टू कवर लार्ज अमाउंट ऑफ एरियाज, जो आप उसको स्कैन करना चाहते हैं, दैट इज़ एग्रीकल्चर हो गया, टोपोग्राफिकल मैपिंग हो गया, मैपिंग इज द की वेयर इट विल बी यूज। सो दिस इज योर डोपो। सो आफ्टर दैट नेक्स्ट कैटेगरी है इनका निम्बल, जो काफ़ी कॉम्पैक्ट है बट येट वेरी पावरफुल, स्मॉल फुटप्रिंट, हाई परफॉर्मेंस, स्टनिंग एंड मल्टी फंक्शनल ड्रोन बाय TAS। तो इसकी भी बुकिंग अभी ये मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ है, ये बिल्कुल नया है, तो इसके बारे में इन्होंने डिटेल ज़्यादा नहीं दी है, इट विल बी सून लॉन्च्ड इन द मार्केट। बाकी सब जो हैं वो इंडस्ट्रियल वाले मार्केट में आ चुके हैं। एंड दिस इज़ द लेटेस्ट वन ऑन डिमांड ड्रोन डिलीवरी, दिस इज़ द डिलीवरी ड्रोन, एंड बेसिकली ये मेडिसिन डिलीवर करने के लिए और हो सकता है आने वाले टाइम में अमेज़ॉन के लिए भी ये डिलीवरी ड्रोन रेडी हो जाए। दिस इज़ योर रेड चॉपर, लाइफ सेविंग गोइंग अबव बियॉन्ड। तो ये बेसिकली आपका जो मेन ड्रोन है आपके मेडिसन्स वगैरह को डिलीवरी करने के लिए दिमाग में रख के, मतलब कुछ भी है अभी तो मेडिसन्स के लिए इन्होंने बेसिकली फोकस किया है, मेडिसिन के अलावा और भी जो चीज़ें होंगी उनके लिए ये डेफिनेटली इसको फोकस किया गया। एंड अब तक ये हनीवेल कंपनी ने इसको अडॉप्ट किया है इनसे लेकर, एंड काफ़ी डिलीवरीज ये कर चुके हैं, इतना डिस्टेंस ये कवर कर चुके हैं। एंड ये अंबर दुबे जी जॉइंट सेक्रेटरी सिविल एविएशन के हैं, तो दिस इज़ द थिंग। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं फ्यूचर, ये अमेज़ॉन का इन्होंने दिखाया कि कैसे अमेज़ॉन की डिलीवरी ये करेंगे, ये मेडकॉप्टर है, इसके अंदर आप मेडिसिन वगैरह टेस्ट वगैरह रिपोर्ट्स एंड ऑल दैट यू कैन, एंड दिस इज़ द वे हैवी पेलोड जो होता है आपका वो आप इसमें कर सकते हैं। तो दिस इज़ इट, तो ये कुछ ड्रोन्स हैं फ्रेंड्स जो कि, तो ये है टेक्नोलॉजी जो इंडिया काफ़ी अच्छे से कवर कर रहा है और काफ़ी आगे तक जा रहा है वन बाय वन करते हुए। एंड दिस इज़ वन ऑफ द जो मुझे एक्चुअल में जो ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी एंड द फॉर्म फैक्टर एंड द पावरफुलनेस, मतलब हाउ पावरफुल दीज ड्रोन्स आर एंड दे कैन कॉम्पैक्ट विद द इंटरनेशनल मार्केट, तो ये जब आपका कंज्यूमर ड्रोन लेकर आएंगे तो डेफिनेटली वो भी DJI की तरह डेफिनेटली होगा। एंड आपको कैसे लगे ये ड्रोन्स और आपका फेवरेट मॉडल इनमें से कौन सा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू वेरी मच, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू, बाय बाय।